हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक्स से टेस्ट नंबर 6, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और हम यारा ये टेस्ट लाने का उद्देश्य यही है कि हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उन्हें भी हमारा टारगेट करने का यहाँ पे उद्देश्य है। और यूपीएससी के अंतर्गत आपको कोई भी सब्जेक्ट को छोटा नहीं समझना है, यानी कि आप चाहे वो साइंस का हो, या फिर आपका इन्वायरमेंटल इकोलॉजी हो, या फिर इकोनॉमी हो आपको, या फिर पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो एक्स वाई जेड जो यूपीएससी में सिलेबस में, उसे छोटा नहीं समझना है। सभी को एक समान प्रायोरिटी देनी है। देखिए, इकोनॉमी के लिए मैंने आपसे बोला था कि आप लोग मैक्रो हिल पब्लिकेशन की रमेश चंद जी की बुक जरूर ले लें। अगर आपने बुक अभी तक नहीं ली है तो अब उसे बुक को अवश्य लें, तभी ये लेक्चर देखें और तभी ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आएगा। और इसके अलावा अगर आपने आपने बुक नहीं ली है, डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं और उसके बाद उनसे कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें आपकी गलती है, ना कि मेरी गलती है। मैंने तो आपसे पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूं कि आप जब तक बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इकोनॉमी या समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हो या फिर आपके आम भाषा वाले कॉन्सेप्ट हो, ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो बीकॉम या फिर एमकॉम या फिर जो आपका जो बैंकिंग सेक्टर या जो है इकोनॉमी सेक्टर, मतलब इकोनॉमी जो पढ़ते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं इकोनॉमी पढ़ने वाले। इसकी वजह से इसके टर्म्स भी आम भाषा में डेली आम यूज में यूज नहीं होते हैं, डेली यानी कि आम प्रचलन में ये यूज नहीं करते हैं। इस वजह से थोड़ा ये टफ लगता है देखने में सब्जेक्ट ये, मतलब हम लोगों के लिए जो हमारा बैकग्राउंड रहा है हिस्ट्री या पॉलिटी वाला बैकग्राउंड रहा है या जियोग्राफी वाला बैकग्राउंड रहा है, तो उनके लिए थोड़ा टफ लगता है। तो इसीलिए आपके लिए ये नितांत आवश्यक है कि आप कोई बुक जरूर ले लें। और खास करके मैं तो ये मैक्रो हिल की पब्लिकेशन की आपको रेफर करूंगा, फिर आपकी एजुकेशन मर्जी जो आप लेना चाहें, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा आप बुक जरूर ले लें, तभी आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें ताकि अन लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि काफी सारे अभ्यर्थी हमारे ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक इस चैनल के बारे में पता नहीं है और अब तक वो अपना टाइम कीमती वक्त मतलब बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि इधर उधर भटकने में बर्बाद कर रहे हैं, तो उन्हें इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। तो चलिए, यहां पे हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और चैप्टर नंबर 1 का यहां पार्ट 6 है आज। यहां पे हमारा चैप्टर नंबर 1 है आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि, इसका पार्ट एफ आया है आज, यानी कि पार्ट नंबर 6 है यहां पे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां पे पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं उनके संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। देखिए, केंद्रीय योजनाओं का वित्त पोषण पूरी तरह से केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार की व्यवस्थाएं ही इन्हें लागू कराती हैं। ये बिल्कुल सही है कि केंद्र योजनाएं जो होती हैं, केंद्रीय योजनाएं, उनका वित्त पोषण जो होता है पूरी तरह से केंद्र सरकार करती है और उन्हें क्रियान्वित यानी कि लागू करने का भी जो काम होता है वो केंद्र का ही होता है। ठीक है, तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। केंद्रीय योजनाएं यानी कि जो सेंट्रल की जो प्लानिंग्स होती हैं, सेंट्रल प्लानिंग यानी केंद्र की कोई योजनाएं होती हैं, वो सभी संघीय सूची में आती हैं केंद्रीय योजनाएं। ये बिल्कुल सही है, केंद्रीय योजनाएं जो होती हैं वो पूरी तरह संघीय सूची में आती हैं। थर्ड है हमारा, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, इनका वित्त पोषण केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों मिलकर करती हैं। देखिए, केंद्र प्रायोजित का मतलब क्या हुआ, केंद्र प्रायोजित का मतलब यह हुआ कि केंद्र ने तो वो योजना बनाई है, साथ ही साथ उस योजना को लेकिन अप्लाई करने में राज्य का भी हाथ होगा, यानी कि वो तब तक अप्लाई नहीं हो पाएगी जब तक राज्य नहीं चाहेगा। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो कि दोनों लोगों के विचार विमर्श परामर्श और दोनों लोगों की मतलब परस्पर आदान प्रदान, यानी राज्य के और केंद्र के आदान प्रदान के अनुसार ही वो योजना क्रियान्वित हो पाती हैं। कभी कभी जब राज्य का और केंद्र का आपस में मनमुटाव होता है तो वो योजना सफल तरीके से कार्य नहीं कर पाती हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो इन योजनाओं में केंद्र प्रायोजित का मतलब ये होता है इनका ढांचा जो है, स्ट्रक्चर जो है, वो केंद्र ने तैयार किया है और इन्हें जो जमीन धरातल पर उतारने का कार्य जो है वो करना है किसे, राज्य को। यानी कि आप एक कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लीजिए कि एक इंजीनियर ने क्या है, एक मैप बना दिया है, इंजीनियर ने एक आर्किटेक्चर ने एक बिल्डिंग का एक नक्शा तैयार कर दिया, लेकिन उसे धरातल पर तैयार कर कौन करेगा, जो मिस्त्री लोग हैं, आपके जो मजदूर हैं, वही तो धरातल पर उसे उतारेंगे, उसे वही तो बनाएंगे, भाई ये यहां पर ईंट लगानी है, ये करना है। तो ठीक इसी तरह से केंद्र और राज्य का संबंध होता है केंद्र प्रायोजित योजनाओं में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो केंद्र प्रायोजित योजना में इसका अनुपात कभी कभी क्या होता है कि 50:50 यानी 50% का योगदान होता है केंद्र का इसमें धनराशि का, 50% का होता है राज्य का, कहीं कहीं होता है ज्यादा होता है, यानी कहीं कहीं केंद्र का 70% और राज्य का 30% का होता है। और जबकि अभी अगर कुछ योजनाएं हमने देखें उठा के देखें तो अभी वर्तमान में अगर आप पाएंगे तो पूर्वोत्तर वाली जो योजनाएं, पूर्वोत्तर वाली योजनाओं में केंद्र की भागीदारी सबसे ज्यादा है, 90% है और पूर्वोत्तर राज्यों की 10% है।
उसका रीजन भी है, उसके लिए विवाद भी उठाए। उसका रीजन ये है कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें जनसंख्या अनुपात बहुत ज़्यादा कम है, इसकी वजह से पूर्वोत्तर के राज्य ज़्यादा जो है धनराशि वहन करने में सक्षम नहीं है, इस वजह से 90-10 का रेशियो उठाया गया है। देखिए ये जो मुद्दा था ये उठा था ये वाला, इसलिए मैंने यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग ये ना समझें कि पूर्वोत्तर को स्पेशल क्यों दे रहे हैं। स्पेशल देने का रीजन है, रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो आप देखते हैं एमपी यानी कि मास्टर ऑफ पार्लियामेंट हमारे यूपी में से 80-80 निकल के आ रहे हैं, बिहार में से अच्छे खासे निकल के आ रहे हैं, हर राज्य से अच्छे खासे निकल के आ रहे हैं। भाई अगर पूर्वोत्तर में से देखेंगे, पूर्वोत्तर में से एक राज्य में से मुश्किल से 1-2 या खिंचके कहीं से 10 या 15 एमपी निकल के आते हैं। तो आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि वहां जनसंख्या कितनी कम है, वो बहन नहीं कर सकते खर्चा, इसकी वजह से केंद्र 90% वहां उठा रही है और राज्य 10% वहां उठा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और उसके अलावा भी और एक और रीजन ये है, एक रीजन और है क्योंकि वे ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया की वजह से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए इलाके रहे हैं, यानी कि एक तरह से आदिम जातियां वहां रही हैं, जैसे नागालैंड वगैरह है, मिजोरम वगैरह में एकदम आदिम जातियों के लिए फेमस रहे हैं कभी वो स्थान, तो उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए भी केंद्र इसी वजह से प्रयास कर रही है। तो तीसरा वाला कथन भी यहां बिल्कुल सही है। चौथा है केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। देखिए मैंने एग्जांपल भी दिया था कि केंद्र प्रायोजित का मतलब एक मैंने बताया था कि एक इंजीनियर ने क्या किया, एक नक्शा बनाया, यानी एक इंजीनियर ने एक मैप तैयार किया कि हाँ भाई यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बिल्डिंग बनेगी, यहाँ पे ये बिल्डिंग बनेगी, लेकिन उसे धरातल पर उतारने वाले कौन होंगे, यानी कि धरातल पर वही उतारेंगे राज्य, यानी कि राज्य को हमने मान लिया एक मिस्त्री या कामगार, तो राज्य वाले जो हैं वो उसे धरातल पर उतारेंगे, यानी केंद्र से तो नक्शा बन के आ गया कि भाई ये चीज़ बिल्डिंग है मैं यहाँ चाहिए इस क्षेत्र में, तो राज्य उसे कंप्लीट करने का कार्य करेगा। यानी कि जैसे आपकी केंद्र की काफी सारी योजनाएं हैं, आप परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो काफी सारी योजनाएं चलाता है, यानी टीकाकरण से संबंधित चलाता है, चाहे बच्चों को कुपोषण को दूर करने से संबंधित चलाता है, लेकिन उसका जो मतलब मेन धरातल उतारने का कार्य करता है वो राज्य ही करता है, ना कि केंद्र करता है। केंद्र तो उसमें भागीदारी कर लेता है 70% या 30% की, यानी 70% केंद्र देगा, 30% राज्यों को बहन करना पड़ेगा, तो इस तरह से भागीदारी आपस में सुनिश्चित कर ली जाती है। तो यहाँ पे चौथा वाला कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर है डी, यानी 1, 2, 3 और 4। सेकंड है नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहां पे बताइए कौन से कथन सही है। नीति आयोग के बारे में बताने हैं आपको। पहला है पहली बार केंद्रीय नियोजन प्रक्रिया में केंद्र कमर राज्यों एवं स्थानीय निकायों के दृष्टिकोण से साझा राष्ट्रीय एजेंडा की अवधारणा रखी गई। देखिए पहली बार का मतलब ये था कि हाँ ये पहली बार ये अवधारणा रखी गई थी। पहले क्या था, पहले कोई भी योजना बनती थी उसमें क्या था, केंद्र वाले अपने वहीं ऑफिस में बैठे बैठे ही बना लेते थे, मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत उसका सर्वे किया होता था, इतना ज़्यादा नहीं किया होता था कि धरातल पर आके देख के आए। लेकिन अब क्या है कि अब राज्यों का स्थानीय निकाय जो है उन सभी का उसमें दृष्टिकोण को लिया जाएगा, यानी कि जिनमें तीनों स्तरों का एकीकरण पर बल दिया गया है नीति आयोग ने। यानी कोई नियोजन कोई योजना तभी बनाई जाएगी जब तीनों का सम्मेलन होगा, यानी तीनों लोग परस्पर बैठ के आदान प्रदान अपने विचारों करेंगे, हाँ भाई हमें इस चीज पे समस्या है, हमें इस चीज पे समस्या है, तब कुछ नया रिजल्ट निकल के आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अब साझा राष्ट्रीय एजेंडा की अवधारणा बनाई गई है जो है नीति आयोग के अंतर्गत। तो पहली बार वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। सेकंड है भारत टॉप डाउन के बदले बॉटम अप के दृष्टिकोण से विकास को बढ़ावा देगा। देखिए ये वाला जो है ये कथन काफी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जा चुका है कि पहले क्या था, कोई अप्रोच जो थी वो टॉप डाउन थी। टॉप डाउन का मतलब क्या था कि इस तरह का मॉडल था, पिरामिड इस तरह का था कि टॉप पे यहां पे जो टॉप लेवल के जो बैठे हैं अधिकारी उन्होंने कोई योजना बनाई, ठीक है वो योजना बनाई, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे शंकु आकार नीचे पतला होता जा रहा है, तो ठीक उसी तरह से धनराशि जो होती थी वो एक तरह से पतली होती जाती थी। यानी कि हमने कोई योजना बनाई यहां तक, यहां कुछ बड़े अधिकारियों ने बनाई तो इसका कुछ बड़ा स्वरूप था, नीचे आई तो कुछ छोटा हो गया और नीचे पहुंची, ऐसे कर करके वो जब तक बॉटम पे पहुंचती थी यानी डाउन पे पहुंचती थी बिल्कुल विलुप्त हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब योजना जो बनेगी वो बॉटम से बनेगी, यानी कि हम धरातल को देख के बनाएंगे, हमारी जमीनी हकीकत क्या चल रही है तभी हम कोई योजना बनाएंगे, ऐसा नहीं है हवा में योजना बना दें। तो अब इस अप्रोच को हमने बॉटम अप अप्रोच बनाया है, यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग के माध्यम से अप्रोच को बॉटम अप अप्रोच बनाया है, यानी कि अब हर योजना जो बनेगी उसमें तीनों जो है निकायों का दृष्टिकोण सम्मिलित होगा साझा राष्ट्रीय एजेंडा के तहत, और तब ये योजना जो होगी बॉटम से स्टार्ट होगी और तब ऊपर तक पहुंचेगी, ठीक है। तो अब इसमें जो है यानी कि अब जो तरक्की के नए आयाम और नए विकास के नए आयाम यहां पे खुलेंगे और विकास को यहां पे बढ़ावा भी मिलेगा। तो यह सेकंड वाला कथन भी सही है, दोनों ही कथन सही है, तो आंसर है सी यानी 1 और 2 दोनों। तीसरा है हमारा भारतीय आर्थिक आयोजन की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहां पे बताइए कौन से कथन सही हैं। पहला है भारतीय आर्थिक आयोजन आदेशात्मक है,
देखिए ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, भारतीय आर्थिक आयोजन आदेशात्मक है। देखिए आदेश का मतलब क्या हुआ, हमने ऑर्डर दे दिया, यानी कि एक तरह से आप डिक्टेटरशिप वाला जो होता नहीं रोल, कि एक प्रजातंत्र जो ऑटोक्रेटिक रूल है कि राजा ने एक आदेश दे दिया कि हाँ भाई ये काम होना ही होना है, किसी भी हालत में होना है, चाहे आप मर जाओ या जी जाओ, या फिर आपको किसी भी हालत में करना है काम, चाहे वहां की जनता इससे लाभान्वित हो या ना हो, आपको काम करना ही करना है, वो होता है एक आदेश। लेकिन हमारा देश कैसा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम आदेश नहीं दे सकते अपने यहाँ, हम आदेश नहीं दे सकते हैं, तो भारतीय आर्थिक आयोजन जो है वो आदेशात्मक नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, तो पहला वाला कथन गलत है। आर्थिक क्रियाओं के संपादन में यहाँ आदेशों के स्थान पर प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी आदेश नहीं देते हम, प्रोत्साहन देते हैं। देखिए ये यहाँ पे एक इंटरव्यू के लिए भी क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर इस चीज पे कहता है तो आप ये नहीं कह सकते हमारे मोदी जी ने आदेश दिया था कि ये कीजिए वो कीजिए, नहीं, आदेश नहीं देते हैं वो, प्रोत्साहन देते हैं। आपको याद होगा नोटबंदी के समय वाली बात है, मैं याद दिलाता हूँ, नोटबंदी के समय वाली मोदी जी ने सराहना की थी, बैंक कर्मचारियों की सराहना की थी, उनके वर्क की सराहना की थी, उन्हें प्रोत्साहित किया था, ना कि आदेश दिया था कि आपको भाई नोट बदलने हर हालत में, या रात के 10 बज जाएं या रात के 11 बज जाएं, ऐसा आदेश नहीं दिया था उन्होंने। उन्होंने अपनी सभी चुनावी सभाओं में, सभी ऑफिशियल भाषणों में, सब में उन्होंने प्रोत्साहन ही दिया था कि हाँ हमारे जो देश के जो बैंक के कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम अपने देश में, यानी कि हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, इसमें हम कोई भी योजना एक प्रोत्साहन के तरीके से तो लागू करवा सकते हैं, लेकिन आदेश के तरीके से लागू नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि हम ऑटोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आदेश और प्रोत्साहन में अंतर। ठीक है, तो यह पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड है, इसकी प्रकृति मूलतः वित्तीय ना होकर भौतिक है। देखिए इसकी प्रकृति जो है मूलतः वित्तीय ना होकर भौतिक है, अर्थात यहां पर पहले भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है, यानी कि पहले हम वित्तीय लक्ष्यों से पहले यहां पर भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, उसके आधार पर वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करते हैं, यानी कि भारतीय आर्थिक आयोजन की जो है प्रवृत्ति जो है वो भौतिक है। पहले हम यहाँ पे भौतिक दृष्टिकोण है, यानी भौतिक दृष्टिकोण से उसके प्रभाव का आकलन करते हैं, उसके बाद उसका वित्तीय आकलन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी कि इसकी प्रगति मूलतः वित्तीय ना होकर भौतिक है। ठीक है, तीसरा है, इसका स्वरूप केंद्रीकृत ना होकर विकेंद्रीकृत है। केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है, केंद्रीकृत का मतलब होता है कि हम एक जगह से सब कुछ को नियंत्रण में रखना चाह रहे हैं, यानी एक जगह से सब कुछ किया जा रहा है, केंद्रीकृत नहीं, हम केंद्रीकृत नहीं है, विकेंद्रीकृत है, यानी कि हर फील्ड में उतर उतर के, यानी हमने हर फील्ड में अपने अपने व्यक्ति लगा दिए हैं जो हर फील्ड के लिए एक वर्क कर रहे हैं, यानी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में हमारी जो योजनाओं के संबंधित ऑफिस बने हैं, संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित वहां के लोग हैं जो उन्हें के क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। तो हम एक केंद्रीकृत स्वरूप नहीं है बल्कि विकेंद्रीकृत स्वरूप है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इस चीज को। देखिए केंद्रीकृत का एक और डिसएडवांटेज ये भी होता है, देखिए केंद्रीकृत में काम तो जल्दी होता है, मान लेते हैं केंद्रीकृत में काम भी जल्दी भी होता है, फिर लेट भी हो जाता है। केंद्रीकृत में अगर मशीनरी फेल होती है, यानी कि बाय द वे सत्ता में कोई ऐसा उठापटक होती है, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अफेक्ट हो जाता है, यानी कोई भी योजना जो है पूरी तरह से धराशायी हो जाती है, जबकि विकेंद्रीकृत में ऐसा नहीं होता है। विकेंद्रीकृत में मान लो केंद्र में सरकार गिर गई, फिर भी राज्यों में तो सरकार चली रही है, तो राज्य में वो प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं, राज्य में प्रोजेक्ट वो चलता रहेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ इसका स्वरूप केंद्रीकृत ना होकर इसका स्वरूप विकेंद्रीकृत है आर्थिक आयोजन का। तो तीसरा वाला कथन भी यहाँ सही है, तो यहाँ पे दूसरा तीसरा कथन सही है, तो आंसर है बी, केवल 2 और 3। चौथा है, नीति आयोग तथा योजना आयोग में अंतर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहां पे बताइए कौन से कथन सही हैं। सॉरी गले में खराश की वजह से मैं परेशान हूं, इसी वजह से मैं कल लेक्चर भी नहीं ला पाया था, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। यहां पे पहला है, योजना आयोग को मंत्रालयों व राज्य सरकारों के लिए फंड के निर्धारण की शक्ति प्राप्त थी, जबकि नीति आयोग के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। देखिए नीति आयोग एक जो है सलाहकारी निकाय, यानी थिंक टैंक की भांति कार्य कर रहा है, और इसके पास जो है फंड के निर्धारण की शक्ति जो है वो नहीं है, यानी कि फंड के निर्धारण की जो शक्ति यहाँ पे दी गई है वो वित्त मंत्रालय को दी गई है, यानी कि ये अपनी अनुशंसाएं, ये अपनी जो अनुशंसाएं वो वित्त मंत्रालय को सबमिट करेगा, वित्त मंत्रालय जो है संबंधित योजनाओं के लिए फंड प्रोवाइड करेगा। पहले क्या था कि योजना आयोग जो था वो फंड निर्धारण की शक्ति उसके पास थी, लेकिन अब नीति आयोग में इसके पास फंड निर्धारण की शक्ति नहीं है, ये बेसिक डिफरेंस है। देखिए इतना डीपली आपने नीति आयोग को नहीं पढ़ा होगा,
अभी तक आई थिंक आप इस प्रश्न के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये देखिए ये भी डिफरेंस होते हैं, आप ये सोच रहे होंगे ये भी डिफरेंस होते हैं, हाँ ये डिफरेंस होते हैं, ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है, यानी कि आपको पढ़ने में समझ में नहीं आएंगे, ये तभी समझ में आएंगे जब यूपीएससी में कोई क्वेश्चन फंसता है, ये तभी समझ में आएंगे जब आप डीपली एनालिसिस करते हैं उस चीज को। तो आप याद रखिए योजना आयोग के पास ऐसी शक्ति थी कि वो फंड स्वयं दे सकता था, यानी फंड का निर्धारण कर सकता था किस राज्य को कितना करना है, लेकिन अब नहीं है। अब नीति आयोग एक थिंक टैंक की बात कर रहा है, यानी कि एक सलाहकारी निकाय की बात कर रहा है, तो सलाहकारी निकाय का ये फर्ज है कि वो सलाह देगा वित्त मंत्रालय को, हाँ भाई फलाने राज्य में ज्यादा जरूरत है तो वहां इतना पैसा आप आवंटित कीजिए। तो वित्त मंत्रालय इस चीज को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है कि हाँ भाई नीति आयोग की में माननी माननी है, ठीक है। तो यहां पर पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। सेकेंड है, योजना आयोग की अपेक्षा नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कम है। देखिए योजना आयोग में यहाँ जो पूर्णकालिक सदस्य थे वो थे 8 थे, यानी कि योजना आयोग में पूर्णकालिक सदस्य 8 थे, जबकि नीति आयोग में अधिकतम 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। यहाँ पे नीति आयोग में अधिकतम 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 सदस्य जो होते हैं वो अंशकालिक होते हैं, ठीक है। और समय की आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे अंशकालिक सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा, जबकि योजना आयोग में अंशकालिक सदस्यों के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। ये भी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नीति आयोग से संबंधित पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ढंग से देख लीजिए। यानी कि योजना आयोग में कोई अंशकालिक सदस्यों का प्रावधान नहीं था, जबकि जो आपका नीति आयोग है, नीति आयोग में आपके अंशकालिक सदस्यों का प्रावधान है, यानी कि 5 तो सदस्य यहाँ पे पूर्णकालिक हैं, 5 कैंडिडेट तो यहाँ पूर्णकालिक हैं, 2 सदस्य यहाँ पे अंशकालिक रखे जाते हैं, जबकि और इसके अलावा भी अगर जरूरत पड़ने पर यहाँ पे अंशकालिक सदस्यों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, ठीक है। तो सेकंड वाला कथन भी सही है यहाँ पे। तीसरा है, योजना आयोग में अंशकालिक सदस्यों के बारे में कोई प्रावधान नहीं था, जबकि नीति आयोग में है। देखिए बिल्कुल सही है कि योजना आयोग में अंशकालिक सदस्यों की चर्चा नहीं की गई थी, यहाँ पे केवल और केवल 8 पूर्णकालिक सदस्य थे, ठीक है। तो यह तीसरा वाला कथन भी सही है, यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, तो आंसर है डी, यानी 1, 2 और 3। पांचवा है, राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में कौन से कथन सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में कौन से कथन सही है ये बताना है आपको। पहला है, राष्ट्रीय विकास परिषद एक संवैधानिक निकाय है। देखिए ये पहला वाला कथन गलत है, ये जो है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि एक संविधानेतर निकाय है, यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये संविधानेतर निकाय है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसका गठन जो हुआ था वो मुख्य रूप से आर्थिक नियोजन एवं हेतु राज्यों एवं योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाने के लिए इसका गठन हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो सेकंड वाला गठन बिल्कुल सही है, और 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था, 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था, ये भी याद रखिए 6 अगस्त 1952 को, सॉरी माउस से लिखता हूँ, थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, 6 अगस्त 1952 का फॉर्मेशन किया गया था किसके लिए, कि मुख्य रूप से आर्थिक नियोजन और राज्यों और योजना आयोग के बीच सहयोग के वातावरण को बनाने के लिए, ठीक है। थर्ड है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस परिषद के सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस परिषद के सदस्य होते हैं, तो यहां पे तीसरा वाला कथन भी सही है, ठीक है। इसके अलावा ये बताइए इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, कौन कौन होता है, कितने कैंडिडेट टोटल होते हैं इसमें, यानी मुख्यमंत्री तो आपको पता चल गया कि मुख्यमंत्री इस परिषद के सदस्य होते हैं, इसके अलावा अध्यक्ष, मेंबर और कौन कौन होते हैं, यानी कौन कौन इसमें और सम्मिलित होता है, वो आप राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में कमेंट में मुझे बताइए। देखिए पॉलिटी का यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा आपके लिए, बहुत अच्छी बात है कि आप कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं दोनों चीजों को, देखिए कोरिलेट करके पढ़ा कीजिए, कोरिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आई थिंक आप भूलेंगे नहीं, आप लंबे समय तक याद भी रखेंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे समझ में आएंगे। तो आप एक बार को आप पॉलिटी की बुक जरूर खोलिए और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए कि एनडीसी में, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, आप पूरे नसब के नाम दीजिए कि राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री कौन कौन होता है, ये आप कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए दूसरा तीसरा कथन सही है, तो यहां आंसर है सी, केवल 2 और 3। छठा है हमारा, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को के संदर्भ में यहां पे बताना है कौन से कथन जो है वो सही नहीं है, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है, यानी कौन से कथन यहां पे गलत है। पहला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर का लक्ष्य 4% रखा गया था। देखिए ये कथन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है कि 12वीं योजना में कृषि विकास दर का लक्ष्य जो था वो 4% रखा गया था, ये आप याद रखिए, कितना रखा गया था, 4%।
सेकंड है विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर का लक्ष्य 10% रखा गया था, यानी कि जो आपका विनिर्माण है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है सेक्टर है उसमें विनिर्माण का जो लक्ष्य है वो 10% रखा गया था, और योजना अवधि इसकी जो थी 1,00,000 अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का इसका लक्ष्य भी था, यानी इसके अलावा इसका लक्ष्य ये था कि 10% से अधिक रोजगार का सृजन करना है, तो ये सेकंड वाला भी यहां सही है। तीसरा है दूर संचार क्षेत्र में ग्रीन पॉलिसी को अपनाना तथा अच्छे ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देना, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दूर संचार क्षेत्र में ग्रीन पॉलिसी को अपनाना था और अच्छे ऊर्जा स्रोतों का को भी बढ़ाने पर बल देने की बात कही गई थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए तीनों कथन ये बिल्कुल सही हैं, यानी कि तीनों के तीनों अगर आप कथन देखेंगे तो सही हैं। यहाँ पे इसमें पूछा यह गया है कि यहाँ पे कौन से कथन सही नहीं है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक भी कथन गलत नहीं है, तो आप आंसर में लगाएंगे डी, यानी उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। देखिए ये मैं लाइन पे जोर देके क्यों बोलता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी इस तरह के क्वेश्चनों में मात खा जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ पूछा गया कौन से कथन सही नहीं है, तो आप लगा देंगे यहाँ आप देख लेंगे तीनों क्वेश्चन सही हो गए, तो आपने लगा दिया सी पे लगा दिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप पूरे क्वेश्चन की भाषा आराम से पढ़िए, आपके पास जो टाइम जो होता है सफिशियंट टाइम होता है, अगर आप देखें तो आप पूरे क्वेश्चन की भाषा आराम से पढ़िए, क्या बोल रहा है क्या नहीं कह रहा है। आप ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर की लाइन पढ़ ली आपने तुरंत जल्दी से आपको आते थे क्वेश्चन आपने टिक लगाया और टिक बाद में पता चला कि आपने गलत लगा दिया, तो आप ये हड़बड़ी नहीं करनी है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है आराम से तभी टिक लगाना है एग्जाम में। ठीक है, सातवां है नेहरूवादी विकास मॉडल के संदर्भ में यहां पे कुछ बिंदुओं पर विचार कीजिए और यहां पे बताइए इस मॉडल की विशेषताएं क्या थीं। ठीक है, पहला है आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर बल। देखिए नेहरू जी, आपको पता होगा नेहरू जी जो हमारे थे वो पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड थे, यानी कि वो गांधी जैसे नहीं थे। ये गांधी जी ने तो जो है ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने की बात की थी, इनका ऐसा मत नहीं था, उनका ये मानना था कि ग्रामीण रोजगार तो तभी बढ़ेगा जब आप पाश्चात्य यानी कि बड़ी बड़ी उद्योगों का विकास होगा तो ग्रामीण रोजगार भी अपना बढ़ जाएगा, यानी कि आधारभूत उनका जो था आधारभूत दृष्टिकोण था वो आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर उन्होंने बल दिया, तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है केंद्रीकृत निवेश योजना, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात शुरुआती वर्षों में भारत की विकास जो है वो रणनीति मुख्यतः आधारभूत और एवं भारी उद्योगों के विकास पर बल था, यानी कि आधारभूत उद्योगों का विकास करना है, साथ ही साथ हमारे यहाँ छोटे छोटे जैसे हमारे यहाँ अभी क्या है, अभी आप देखते हो टायर है, आप गाड़ी का टायर ले लीजिए, यानी छोटे छोटे उद्योगों के लिए हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ बड़े बड़े विदेशों से आके लग गई हैं अपने देश में। पहले ऐसा नहीं था, पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, बाहर विदेशों से मंगाना पड़ता था, जिसकी वजह से लागत बढ़ जाती थी, टाइम लगता था और हमारे देश में रोजगार का सृजन भी नहीं हो पाता था। तो नेहरूवादी मॉडल के अंतर्गत यानी कि हमें आधारभूत उद्योगों का सृजन करना है, साथ ही साथ बड़े उद्योगों को भी के विकास पर भी यहाँ पर बल देना है। ठीक है, तो केंद्रीकृत निवेश योजना थी इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया और यहाँ पे आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात पर कम बल देकर राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का भी बल दिया गया केंद्रीकृत निवेश योजना में। ठीक है, इसी के तहत जो आपकी आप देखते होंगे जो केंद्रीकृत योजना है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन जो कंपनी है वो केंद्रीकृत निवेश योजना का ही हिस्सा थी, यानी केंद्रीकृत निवेश योजना के तहत ही इनकी नींव रखी गई थी पीएसयू की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन जो आपकी कंपनी है। कितनी अब आपसे नवरत्न और महारत्न अगर पूछ लूंगा तो आप कमेंट में बताएंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट बनेगी कि कितनी कंपनियां महारत्न है कितनी कंपनियां नवरत्न है, तो ये तो कमेंट में अगर आप बताना चाहते हैं एजुबिस आप बता सकते हैं ये 5 महारत्न हैं या 6 महारत्न हैं या 9 नवरत्न हैं या 10 नवरत्न हैं, ये कमेंट में आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर आप तो बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा आप होनहार स्टूडेंट हैं, और मैं आपके साथ भी एक कामना भी करूंगा अगर आपने क्वेश्चन का अगर लिखित बता रहे हैं कि हाँ आप वाकई में यूपीएससी निकालने लायक हैं। ठीक है, तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल। देखिए मैंने बताया था केंद्रीकृत निवेश का यहाँ पे लक्ष्य यही था कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, यानी कि उसकी जो है भागीदारी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। चौथा है आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात पर कम बल देकर राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता पर बल, यानी कि आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि हमारे देश का जो आयात है यानी कि हमारे देश की चीज़ें बाहर जाएं, यानी कि आयात हमारा जो है वो बढ़े और हमारा निर्यात है निर्यात बल वो कम हो, यानी कि हम बाहर से कम चीज़ें मंगाएं, बाहर से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना मंगाएं, हम अपने यहाँ कुछ चीज़ें बनाएं और अपने यहाँ से चीज़ें बाहर की ओर प्रतिस्थापित करें। ठीक है, जिससे कि हमारी राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो। तो यहाँ चौथा वाला कथन भी बिल्कुल सही है, यहाँ चारों ही कथन सही हैं, तो आंसर है डी, यानी 1, 2, 3 और 4। 15 वर्षीय विकास एजेंडा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताइए कौन से कथन सही हैं।
पहला यहाँ पे देखिए, जो 15 वर्षीय एजेंडा क्या था कि केंद्र सरकार ने 5 वर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय विकास दृष्टिकोण प्रपत्र जारी करने का निर्णय लिया यहाँ पे, और जिसमें जिसके तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 2012-17 में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 में 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसकी समाप्ति के बाद यह प्रपत्र जारी किया जाएगा, जिसमें 15 वर्षीय प्रपत्र में प्रपत्र यानी 15 वर्षीय विकास एजेंडा अपनाया जाएगा। पहले क्या था, जो आपकी पंचवर्षीय योजना जो होती थी वो 5 साल के लिए होती थी, लेकिन अब 15 वर्षीय एजेंडा लाया जाएगा। 2017 के बाद 15 वर्षीय योजनाएं बनाई जाएंगी, यानी कि लगभग 2032 तक के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। तो पहला वाला कथन इसी के संदर्भ में देखिए, करंट से है ये, करंट से यहाँ ऐड किया है ये वाला क्वेश्चन, तो ये ध्यान से आप देखिए। पहला वाला है यहाँ, यह एक 15 वर्षीय विजन दस्तावेज है जिसमें देश की प्रगति के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है कि ये जो प्रपत्र है, ये 15 वर्षीय जो प्रपत्र है वो इसमें गरीबी निवारण, समावेशी विकास के साथ साथ आधारभूत संरचनाएं, वाणिज्य, शिक्षा तथा स्वास्थ्य को प्रमुख यहाँ पे स्थान दिया जाएगा। तो पहला वाला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। सेकंड है, रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा को भी दस्तावेज का भाग बनाया गया है। देखिए इसमें रक्षा और आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस, इसको भी इस दस्तावेज का प्रमुख भाग बनाया गया है। तो सेकंड वाला कथन भी बिल्कुल सही है। देखिए इसे रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को दस्तावेज का भाग बनाने का मूल उद्देश्य यह था कि जब तक हम अपने यहाँ की हमारी आंतरिक सीमाएँ जो हैं वो सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक हम जो है अवैध रूप से व्यापार, अपना व्यापार नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ की जो जनता है वो अगर बार बार डिस्टर्ब रहेगी तो व्यापार नहीं कर पाएगी, वो उद्योग में सहयोग नहीं दे पाएगी और अच्छे से अपना जो है लगन के साथ मेहनत नहीं कर पाएगी। तो इसी वजह से रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर भी इस दस्तावेज में शामिल किया गया है, इस लक्ष्य को। आपको पता होगा दिनों दिन चीन अपनी बढ़त बढ़ाता जा रहा है और पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से भी बाजी नहीं आता है, तो इन सबको देखते हुए सरकार ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को 15 वर्षीय विकास एजेंडा में शामिल किया गया है। ठीक है, तो सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड है, यह प्रपत्र जो है 2020 में जारी किए जाने की संभावना है। देखिए ये बिल्कुल गलत है, मैंने बताया था यह प्रपत्र 2020 में जारी नहीं होगा बल्कि 2017 में जारी हो जाएगा, यानी 2017 में जैसी 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी वैसे यह प्रपत्र जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जारी कर किया जा चुका है, मतलब कर दिया नहीं जाएगा, जारी किया जा चुका है। 2018 चली प्रपत्र जारी हो चुका है, ये 2017 में खत्म भी हो गई थी आपकी पंचवर्षीय योजना, तो 2020 में नहीं बल्कि 2017 में जारी किया जाना था ये। ठीक है, और हो चुका है ये। तो यहाँ पहला दूसरा कथन सही है, तो यह आंसर है बी, केवल एक और दो। नवा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए पहला है, राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो पहला वाला कथन सही है, राष्ट्रीय आय में जो होता है केवल कारक आय को शामिल किया। देखिए एक बहुत बार करवा दिया मैंने, कम से कम 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो आई थिंक आप भूलना नहीं चाहिए आपको, राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय को शामिल किया जाता है। तो पहला वाला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। सेकंड है, राष्ट्रीय आय में केवल देश के सामान्य निवासियों की आय को सम्मिलित किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय आय में देश के सामान्य निवासियों की आय को सम्मिलित किया जाता है, जो देश के बाहर यानी देश छोड़कर जो अप्रवासी भारतीय हैं उनकी आय को यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी आय हमें प्राप्त नहीं होती है, इस वजह से अप्रवासी भारतीयों की आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता, केवल देश के जो सामान्य निवासी हैं इनकी आय को ही यहाँ पे शामिल किया जाता है। इस चीज को भी बता चुका हूँ डिटेल में। तो यह सी वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी एक और दो दोनों ही सही है। दसवां है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहां पे बताइए कौन से कथन सही हैं। पहला है, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए केवल कारक भुगतानों को शामिल किया जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए केवल कारक भुगतानों जैसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक, किराया, ब्याज और लाभ, मैंने बताया था ये 4 कारक होते हैं, 4 कारक मैंने बताया था, यानी पारिश्रमिक, किराया, ब्याज और लाभ, इसे शामिल किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, और इसमें शामिल किया हस्तांतरण भुगतान, कारक भुगतान से अलग तरह के भुगतान होते हैं, इन्हें राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी और पहला वाला कथन तो यहाँ बिल्कुल सही है, और हस्तांतरण भुगतान जो होते हैं वो कारक भुगतान के महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल नहीं होते हैं, ये आप याद रखिए, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। क्योंकि हस्तांतरण भुगतान क्या होता है कि एक ऐसी राशि जो किसी बिना एक्सपेक्टेशन के किसी को दी जाती है, यानी कि हमने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया, जैसे कि हमने किसी लड़की की शादी में पैसे देते हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते इसके बदले में कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, हम एक दान के रूप में देते हैं, किसी मंदिर को देते हैं, किसी आपदा से प्रभावित लोगों के लिए देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं बच्चों को, प्रोत्साहन देते हैं बच्चों को कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, तो हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते हैं उनसे। तो ऐसी राशि जो होती है वो हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आती है, आपका जो पेंशन है वो भी हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो हस्तांतरण भुगतान जो कारक है वो आपका जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आप याद रखिए। तो पहला वाला कथन यहां पे बिल्कुल सही है, तो आंसर है केवल एक।
तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो और आपको अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहे होंगे। देखिए पहले जो वीडियो जो थे 1, 2, 3 वो थोड़ा ज़्यादा सब्जेक्टिव हो गए थे, उसमें थोड़ा आपका जो करंट वाला पोर्शन था वो ऐड नहीं था, इस वजह से आपको थोड़े टफ लगे होंगे क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने उठा लिए थे वो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपके बुकिस कॉन्सेप्ट थे, यानी किताब से संबंधित कॉन्सेप्ट थे क्या, लेकिन उठाने मेरी मजबूरी थी उठाने की क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, उन्हें भी समझना जरूरी था। और आई थिंक अगर उसमें कुछ भी दिक्कत हुई हो तो आप जब आप किताब आ जाए तब उस वीडियो को आप दोबारा से देख लें तो आई एम श्योर कि आप कभी भूलेंगे नहीं। और आई थिंक अब जो आपकी लगभग मैं चौथे वीडियो से लेकर आज छठवां वीडियो है आज हमारा, अब जो वीडियो आ रहे हैं आपको अब बड़ी रोचकता हो रही होगी, इकोनॉमिक्स पढ़ने में बोरिंग नहीं हो रही होगी और इकोनॉमिक्स को बड़े आराम से एंजॉय भी कर रहे होंगे और प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। तो देखिए आप धैर्य बनाए रखिए, आप ये ना सोचिए कि अगर मैं एक आध दिन के लिए वीडियो मेरा मिस हो रहा है कि सर हमें छोड़ के चले गए, मैं छोड़ के नहीं जाने वाला हूं। देखिए मैं वचन का पक्का हूं और मैंने ये वचन किया है सबसे कि मैं इस चैनल को एक दिन ऐसा चैनल बना के जाऊंगा कि आपको यूपीएससी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, किसी कोचिंग के आगे दरवाजे खटखटाने नहीं पड़ेंगे, यानी खास करके जो मिडिल क्लास फैमिली और गरीब बच्चे जो थे वो, उन लोगों के लिए एक तरह से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा चैनल, मैं यही आशा करता हूं। देखिए मेरा यहां पे कोई और उद्देश्य नहीं, ना मैं धन कमाने का उद्देश्य, ना ही मेरा आपसे ये कोई उद्देश्य है कि मैं बहुत बड़ी कोचिंग खोलूंगा आप मेरी कोचिंग में आके शामिल हो जाना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। देखिए मैं बस यही चाहता हूं कि मैंने जो परेशानियां झेली हैं, मैंने जो कष्ट झेले हैं वो उस कष्टों को आप लोगों को सामना ना करना पड़े। देखिए मैं मुझे पहुंचने में यहां तक बहुत साल लग गए, अगर मैं इस चैनल को पूरी तरह तैयार कर देता हूं तो यकीन मानिए इस चैनल के माध्यम से आप 1.5 या 2 साल के अंदर अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। तो मैं ये आशा करता हूं तो आप इस मेरे जो विजन यानी कि मेरा ये दीर्घवृत्ति जो विजन है इसे पूर्ण करने में आपका भी योगदान मुझे चाहिए, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए, चैनल को भी शेयर करते रहिए और लोगों को बताते भी रहिए कि ये हिंदी माध्यम का चैनल है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों ये आज के लिए हमें बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।